कैच छोड़े इंग्लैंड ने तो इंडिया गेम में आया, कैच छोड़े इंडिया ने तो फिर इंग्लैंड ने की वापसी। हैशटैग आकाशवाणी, ये क्या खेल चल रहा है ना। अगर इस मैच को देख के आप टेस्ट मैच से दोबारा प्यार ना कर बैठे तो फिर क्रिकेट नहीं, आप कोई और खेल देखें, ऐसा हम सबका मानना है। क्योंकि 14 विकेट गिरे हैं तीसरे दिन के खेल में, भारत को 9 विकेट चटकाने थे, भारत ने 9 विकेट चटका दिए। ईशांत शर्मा, लेट्स स्टार्ट विद हिम, 5 विकेट उनके खाते में, और मेरे विचार में इससे बेहतर गेंदबाजी करते हुए मैंने उन्हें बहुत समय से नहीं देखा। इनफैक्ट लॉर्ड्स के मैदान पर 7 विकेट चटकाए थे लास्ट इनिंग्स में। इंडिया वो टेस्ट मैच जीता था, 2014 का वो दौरा था, लेकिन वहाँ पर बाउंसर्स पटके थे, पुल लगाया था, कुछ बल्लेबाजों ने गलती की थी। दिस वॉज अ टॉप क्वालिटी फास्ट बॉलिंग स्पेल, आगे गेंद को डाल रहे हैं, बहुत अच्छा मूव करवा रहे हैं, टॉप ऑर्डर विकटें चटका रहे हैं। और कितनी मज़ेदार बात है ना, ये वूस्टर के लिए पहले खेले थे जहीर खान 2007, वहाँ पे खेले, उसके बाद जो श्रृंखला खेले जो भारत ने आखिरी टेस्ट सीरीज वहाँ जीती थी, जहीर खान वॉज इन अ डिफरेंट लीग इन दैट गेम और रादर इन दैट सीरीज। ईशांत शर्मा इज डन द सेम, अब वहाँ गए, खेले काउंटी क्रिकेट और सिर्फ बदलाव क्या किया, एक फुट का बदलाव किया है। पहले एक फुट छोटी गेंद करते थे तो फिर हम कहते थे अनफॉर्चुनेट हैं, एक फुट आगे कर रहे हैं तो वो पेनिट्रेटिव हैं, बहुत ही इफेक्टिव हैं। रविचंद्रन अश्विन जनाब, इन्होंने भी टॉप एकदम से साफ कर दिया, 2 विकेट उमेश यादव को भी मिली, बट देन देवर 87/7। इंग्लैंड वॉज स्ट्रगलिंग एंड हाउ 87+13, 100 रन पे 7 विकेट गिर गए, लेकिन फिर बने बहुत सारे और रन। और वो रन क्यों बने, रन इसलिए बने क्योंकि कैच छूटा, करण ने का सैम करण का कैच छूटा, वो छोड़ा शिखर ने, फिर शिखर ने एक आदिल रशीद का कैच छोड़ा, कैच छोड़े और कैच छूटा, दिल टूटा इज़ वॉट आई यूज टू से। तो फिर पहुँच गए 180 पे सैम करण, वेल प्लेड यंग मैन। इनकी ना पूरी फैमिली क्रिकेट खेलती है, हमेशा से खेलती आई है, बड़ा भाई छोटा भाई पिताजी ग्रैंडफादर सब ने क्रिकेट खेली और सब ने अच्छा किया है। ही इज़ बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। तो जब इंडिया को 194 का टारगेट मिला, वेल इट वॉज नेवर गोइंग टू बी ईजी, ओपनर्स फेल्ड अगेन एंड दैट्स एन इशू, दोनों मुरली विजय शिखर धवन एंड देन के एल राहुल देन अजिंक्य रहाणे, और फिर रविचंद्रन अश्विन को प्रमोट किया गया तो वो भी आउट हो गए, 5 डाउन। ऐसा लगा कि अब तो नैया डूबे ही डूबे, लेकिन विराट कोहली एक एंड पे खड़े रहे 43 पे, स्टिल नॉट आउट, ही इज गॉट दिनेश कार्तिक फॉर कंपनी, और अभी भी थोड़ी सी जो आशाएं हैं वो जगी हुई हैं। 84 रन पीछे हैं, 84 रन तो कप्तान ने पिछली बार आखिरी दो बल्लेबाजों के साथ बना दिए थे, बट यू नो व्हाट हैपेंस, लास्ट इनिंग में टेल इतना वैग नहीं करती। फर्स्ट सेकंड थर्ड इनिंग्स ऑफ अ टेस्ट मैच टेल टेंड्स टू वैग, अगर वैग करेगी तब करेगी, लेकिन चौथी इनिंग में उतनी आसानी से टेल आपके साथ खड़ी रहे, बनी रहे, आप फार्म कर लें स्ट्राइक, इट्स नॉट दैट ईजी। तो फिर ये एक परेशानी, और कैच छूटने से एक और परेशानी पता है क्या हुई, वो ये हुई कि अब इंग्लैंड को ये मौका मिला कि एक दिन तीसरे दिन का खेल समाप्त हो गया, अब चौथे दिन वापस आएंगे फ्रेश होके, दोबारा अटैक होगा। तो फिर जो आज की जो परिस्थितियां हैं, जो चौथे दिन की परिस्थितियों, वो कह रहे हैं कि ये ओवरकास्ट कंडीशंस रहने वाली है। और इंग्लैंड में आप जब पिच रिपोर्ट करते हैं ना, तो एक बार नीचे देखते हैं पिच कैसी है, उसके बाद ऊपर देखते हैं कि आसमान कैसा है, अगर आसमान में बादल हैं तो बैटिंग टफ हो जाती है, और यही देखने को मिल रहा है। जब जब ओवरकास्ट रहा है, थोड़ा सा गेंद ने ज़्यादा मदद ली है, देखना होगा कि क्या होता है। यहाँ पे दिनेश कार्तिक, यहाँ पे हार्दिक पांड्या, वेल दीज टू विल हैव टू स्टैंड एंड डिलीवर एंड हेल्प विराट कोहली एंड सपोर्ट हिम, अन्यथा ये मैच बड़ी जल्दी हाथ से निकल जाएगा। वेयर एम आई गोइंग, वंस अगेन हार्ट विद इंडिया, माइंड सेज इट कुड बी इंग्लैंड। आपने क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। 2 लाख सब्सक्राइबर्स से हम बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, सो इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस दैट बेल, वो बेल बनी रहती है ना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आती रहे आपके पास यार।